हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव कुमार। यार जब भी वेबसाइट से अर्निंग करने की बात आती है, ब्लॉगिंग से अर्निंग करने की बात आती है, ऑनलाइन अर्निंग करने की बात आती है, तो सिर्फ हमारे माइंड में एक ही चीज आती है कि अपने पास एडसेंस अकाउंट होना चाहिए, एडसेंस अप्रूव होना चाहिए। एडसेंस कैसे अप्रूव करवाएं और एडसेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं, बहुत सारे सवाल हमारे यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में भरे पड़े रहते हैं। तो आज मैं आपको एडसेंस के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एडसेंस के एक ऐसे अल्टरनेटिव के बारे में बताऊंगा कि एडसेंस के अलावा भी एक ऐसा रास्ता है जिससे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, यदि आप इसमें सही तरीके से काम करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन यदि आप इसमें सही तरीके से काम करेंगे तो एडसेंस से कई गुना ज्यादा आप इसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट में कई ज्यादा गुना यहां से ट्रैफिक ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि हर एक किसी से भी आप पूछो तो वो हमेशा आपको बताता है एडसेंस एडसेंस एडसेंस, इसलिए हमारे माइंड में हमेशा एडसेंस आता है। लेकिन फेसबुक मोनेटाइजेशन भी एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम कभी बात नहीं करते क्योंकि हमको पता ही नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं, तो चलिए देखते हैं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि यार एडसेंस जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल को आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कोई टक्कर दे रहा है, या फिर मैं आपको बता दूं कि गूगल को भी जिसने पीछे छोड़ दिया है वो है सोशल मीडिया ऐप फेसबुक। और मैं आपको बता दूं कि फेसबुक में पर मंथ 1.3 बिलियन लोग आते हैं, एक्टिव यूजर हैं, और ये चीज जो ये आंकड़ा है ये हर महीने बढ़ता है और ये यूट्यूब के आंकड़े से कई गुना ज्यादा है। और जैसे कि आपको पता होगा कि जो ये इंडिया है, डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है, तो यहां पे आपके लिए तो बहुत ही बेनिफिट है क्योंकि फेसबुक में अभी बहुत सारे यूजर्स हैं और आने वाले समय में जब ये धीरे धीरे यहां पे, क्योंकि इंटरनेट बहुत ज्यादा लोगों को मिल रहा है, बहुत सारे लोग यूजर्स एक्टिव यूजर्स बन रहे हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, मतलब बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो इससे आपका काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज ये भी समझने वाली चीज है, जैसे आपको पता होगा कि लोगों को जब जरूरत पड़ती है, जब लोगों को कुछ चीज की जरूरत पड़ती है, कुछ जानना चाहते हैं, तभी वो गूगल पे जाते हैं, बाकी गूगल पे ज्यादातर लोग नहीं जाते। दूसरी चीज की यूट्यूब में भी जब लोगों को मूवी देखना होता है या कुछ ऐसी चीजें जो कि यार इसे देखना ही देखना है, तब वो YouTube में जाते हैं। लेकिन Facebook कोई कारण हो या ना हो, टाइम पास करना है भैया Facebook में घुस जाओ। तो यदि आपकी न्यूज वेबसाइट है या कुछ आप ऐसी चीजें बनाते हैं, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप उसे दिखा देंगे तो वो क्लिक करके आपको देख लेगा। जैसे आपने Facebook में कई बार देखा होगा कि आप Facebook चला रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें आपको दिख जाती हैं कि आप उसको सर्च नहीं करते यदि आप वहां पे ना देखते तो, लेकिन यदि वो आपको दिख गया है तो आप उसे क्लिक करके देख जरूर लेंगे। तो जो चीज यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, ये शायद ही आपको किसी ने YouTube में बताया होगा, कोई नहीं बताया होगा। तो जो मैं आपको बता रहा हूं ये चीज आप ध्यान से समझो। देखो, यदि आप आर्टिकल राइटर हो, यदि आप ब्लॉगर हो, आप कुछ भी चीज आर्टिकल में पोस्ट करते हो, तो एक चीज याद रखो, देखो यहां पे आप गूगल पे चीजों को रैंक कराओ, क्योंकि देखो यार जो गूगल है वो बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है, यहां पे बहुत सारे लोग अपने आप को सोचते हैं यार रैंक करा लो। लेकिन यदि आप नए हो, नए ब्लॉगर हो, नए आर्टिकल राइटर हो, तो यहां पे आपको रैंक जो करना है, रैंक कराना थोड़ी सी मुश्किल होता है और काफी टाइम। मैं एक चीज आपको बता दूं, जब मैं स्टार्टिंग में ब्लॉगर बना था, जब आर्टिकल लिखता था, उस टाइम पे क्या होता था कि मैं कुछ भी चीजें रैंक कराता था। तो यहां पे आपको वो चीज रैंक करानी है जो लोग सर्च करना ही चाहते हैं, मतलब लोग सर्च करते ही हैं। अब मैं बहुत सारे ऐसे मतलब कीवर्ड रैंक कराता था कि मैं उस चीज को रैंक करा देता था और जब उस कीवर्ड को मैं गूगल पे सर्च करता था तो हमारा जो आर्टिकल था वो रैंक करता था, लेकिन जब वो कीवर्ड को कोई सर्च ही नहीं करता तो हमारी वेबसाइट में ट्रैफिक ही नहीं आएगी, तो हम अर्निंग कैसे करेंगे। ये चीज आपको समझना है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। यदि आप नहीं समझ रहे होंगे तो वो चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ लेना, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि आपको कब google.com को फोकस करना है और कब आपको facebook.com को फोकस करना है। तो जब आपको लगे कि आपका जो कंटेंट है, आप जो बना रहे हो, जो आर्टिकल लिख रहे हो, वो ऐसा है जो जेनरिक है, मतलब उसको लोग सर्च करेंगे ही करेंगे, तो आप उसे गूगल पे सर्च कराओ, गूगल पे रैंक कराओ, सॉरी। लेकिन यदि आपका कंटेंट कुछ ऐसा है जो भैया कि आप उसे दिखा दोगे, किसी को दिखा दोगे तो वो क्लिक करेगा, देख लेगा, लेकिन उसे सर्च कभी नहीं करेगा, तो आप उसे फेसबुक में रैंक कराओ। अब कैसे, एक चीज ये, इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आपको समझाता हूं। तो अगर आप कोई ऐसा आर्टिकल लिखते हैं कि हाउ टू मेक मनी, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, ऐसा कुछ बनाते हैं, आप कुछ ऐसा आर्टिकल लिखते हैं, तो उसे आप गूगल पे रैंक कराओ। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बनाते हैं जैसे बेस्ट 5 एक्टर इन वर्ल्ड, हाईएस्ट पेड साउथ एक्टर, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो गूगल पे शायद ही कोई सर्च करेगा, लेकिन यदि वो दिख जाए फेसबुक में या कहीं पे तो उसे लोग क्लिक कर देंगे। तो यदि आपकी न्यूज वेबसाइट है, और मैं आपको बता दूं दूसरी चीज ये भी है कि
बहुत सारे लोग आजकल न्यूज कोई नहीं देखता, तो यदि वो लोग उनको पता ही नहीं होता कि मैं क्या सर्च करूं गूगल पे कि वो न्यूज हम पढ़ पाए, तो लोग न्यूज नहीं सर्च करते। लेकिन वो दिख जाता है यदि आप वो, यदि कोई बंदा फेसबुक चला रहा है तो दिख गया तो उस न्यूज को वो पढ़ लेता है या देख लेता है। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वीडियो मतलब फेसबुक में वीडियो डाल के कैसे अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहां पे आज मैं बात करने वाला हूं इंस्टेंट आर्टिकल के बारे में। और इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो एक बनाया था, लेकिन वहां पे उसका मैं आपको लिंक आई बटन में यहां पे या यहां पे आएगा तो मैं दे दूंगा, तो आई बटन को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि इंस्टेंट आर्टिकल के जरिए आप फेसबुक से पैसे कैसे कमा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन यदि आपके पास न्यूज वेबसाइट है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यदि आपके पास न्यूज वेबसाइट नहीं है तो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप न्यूज वेबसाइट बहुत अच्छी कैसे बना सकते हैं। लेकिन आज से कुछ महीने पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था कि आप ऑटो ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, ऑटो ब्लॉगिंग के जरिए लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो ऑटो ब्लॉगिंग भी एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप न्यूज वेबसाइट बना सकते हैं। वहां पे न्यूज आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आर्टिकल आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक ही आपकी वेबसाइट में आता रहेगा, उसके जरिए भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको यहां पे आई बटन यहां पे आएगा या यहां पे आएगा, तो आप उस आई बटन पे क्लिक कर दो और इस वीडियो को आप देख लो, जिससे आप सीख सकते हो कि ऑटो ब्लॉगिंग कैसे कर लेंगे और जो न्यूज होगी दूसरी वेबसाइट को वो क्लोन होके आपकी वेबसाइट में आ जाएगी और आप उस आर्टिकल को पोस्ट करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये चीज तो हो गई। अब इंस्टेंट आर्टिकल के जरिए आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, जो मैं अभी आज के इस वीडियो में बात कर रहा था, तो इंस्टेंट आर्टिकल का आपको सेटअप कैसे करना है तो वो यहां पे आप क्लिक करिए। इंस्टेंट आर्टिकल भी आप देख सकते हैं कि कैसे इंस्टेंट आर्टिकल आप अपने फेसबुक में यूज करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब चलो मैं आपको थोड़ी फेसबुक में ले चलता हूं कि इंस्टेंट आर्टिकल होता कैसे है। तो देखो यहां पे मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल फोन पे और यहां पे मैं फेसबुक को ओपन कर लेता हूं। फेसबुक को ओपन करने के बाद यहां पे देखो मैं अपने न्यूज फीड में आ गया हूं। यहां पे थोड़ी सी टाइम लगेगा, मतलब न्यूज मैं क्योंकि बहुत सारे डिसफॉलो कर रखा हूं और बहुत सारी चीजें ब्लॉक कर रखा हूं, तो वो चीज यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां पे मैं डायरेक्टली सर्च करता हूं दैनिक भास्कर, ठीक है। तो यहां पे मैंने सर्च किया दैनिक भास्कर और ये वेबसाइट हमारे पास आ गई दैनिक भास्कर। यदि आप जाएं तो यहां पे आप देख सकते हैं, मतलब जितने भी लोग हैं आजकल बहुत, मतलब कि लोगों ने गूगल एडसेंस छोड़ ही दिया क्योंकि उनकी वेबसाइट में न्यूज की जो वेबसाइटें होती थी उसमें बहुत कम लोग जाते थे। तो इंस्टेंट आर्टिकल के जरिए आजकल लोग इतनी अर्निंग कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यहां पे मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूं। तो देखो यहां पे मैं वेबसाइट में आ रहा हूं, थोड़ी इंटेंट स्लो है तो यहां पे थोड़ी सी मैं इस वीडियो को पॉज करता हूं। हाँ जी, तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दैनिक भास्कर का ये न्यूज है और यहां पे दैनिक भास्कर के लेफ्ट साइड में आप देखें तो यहां पे आइकन है, इसी को बोलते हैं भैया इंस्टेंट आर्टिकल, ठीक है। ये आइकन आप देख सकते हो, तो इसका मतलब ये जो इन्होंने पोस्ट किया है अपनी, ये जो न्यूज इन्होंने पोस्ट किया है ये इनकी वेबसाइट में है। लेकिन इंस्टेंट आर्टिकल का मतलब ये होता है कि आप यदि इंस्टेंट आर्टिकल में अपनी वेबसाइट को सेट कर देते हैं, पूरा सेटअप जमा देते हैं, तो इसके बाद क्या होगा, जो भी आपकी वेबसाइट के आर्टिकल होंगे वो यहां पे इंस्टेंटली दिखेंगे और लोगों को मतलब कि पता भी नहीं चलेगा, वो उनको लगेगा कि वो फेसबुक में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो न्यूज थी आपने लिखा था अपनी वेबसाइट में, अपनी वेबसाइट में आपने आर्टिकल लिखा था लेकिन लोग यहां पे पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये दैनिक भास्कर का न्यूज है और यहां पे आप ऊपर फॉलो का बटन भी रहता है तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। दूसरी चीज की यहां पे आप यदि नीचे जाते जाएं तो यहां पे आप देख सकते हैं स्पॉन्सर्ड करके ये ऐप सॉरी ये एड्स चल रही है, तो ये ही है फेसबुक मोनेटाइजेशन। अब इस एड का पैसा आपको फेसबुक देगा ना कि गूगल एडसेंस देगा। तो फेसबुक मोनेटाइजेशन जो ऑन कर लेते हैं आप, इसी को इंस्टेंट आर्टिकल बोलते हैं और फेसबुक आपको पैसे देगा इसके, ठीक है। जैसे कि यदि आप यूट्यूब से अर्निंग करते हैं या फिर वेबसाइट से अर्निंग करते हैं तो वहां पे आपको थर्ड पार्टी यानी गूगल एडसेंस को ज्वाइन करना होता है, लेकिन यहां पे भी आपको फेसबुक के अंदर ही एक फेसबुक मोनेटाइजेशन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप इसे कर सकते हैं पूरा सेटअप। वो चीजें आप ऊपर यदि जाएं तो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वहां पे मैंने इंस्टेंट आर्टिकल कैसे पूरा सेटअप करना है वो चीजें मैंने आपको समझाई है। दूसरी चीज यहां पे आप नीचे जाते जाए तो देखो आपको बहुत सारे यहां पे ऐड मिलते जाएंगे, तो और यहां पे आपके सारे आर्टिकल यहां पे स्लाइड होते जाएंगे। तो यहां पे देखो ये इंस्टाग्राम बैन कृष्णा ने शेयर किया, बॉयफ्रेंड इमन, ये सारी चीजें, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये यदि आप नीचे जाएं तो यहां पे आपको काफी सारे स्पॉन्सर्ड जो एड्स होते हैं वो दिखाई देंगे और यहां पे आप इसके जरिए अर्निंग कर सकते हैं। अब यहां पे मैं वीडियो को बस यहां पे खत्म करता हूं क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप बोर भी होंगे। तो आई होप जो ये वीडियो है आपको पसंद आई होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके यार जरूर बताना, और आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और मैं अब यूट्यूब में एक्टिव हो गया हूं, आज से चलो रेगुलर वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारा काम रहता है लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि एक बार फिर से आपके साथ जुड़ूं क्योंकि आपका इतना प्यार मिलता है यार कि मतलब कहीं दूसरी जगह पे काम करो तो प्यार दिखाई नहीं देता लेकिन YouTube में प्यार दिखाई देता है। तो
आई होप यदि वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।